हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी विद अविनाश में। दोस्तों आजकल जो है सभी लोग व्हाट्सएप चैटिंग करते समय काफ़ी ज़्यादा जो है अलग अलग स्टिकर का यूज़ करते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है अपना खुद का स्टिकर कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए कम्प्लीट पूरा देखिए ताकि जो आपको हर स्टेप आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप स्टिकर बनाने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और वहां से आपको सर्च बार में टाइप कर देना है स्टिकर स्टूडियो। दोस्तों यहां से आपको स्टिकर स्टूडियो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपको गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप जिस भी अपना फ़ोटो का जो है स्टिकर बनाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज डेट मैंने यहाँ से एक यहाँ पे फोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने पहले से भी कई सारे फोटो को जो है बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन के मदद से बैकग्राउंड इरेज करके रखा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बताने के लिए सिंपली यहाँ सपोज डेट यहाँ से कोई भी हम इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपको फ्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने फ़ोटो का जो है बैकग्राउंड इरेज कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे किसी भी तरह मैंने यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे आपके सामने यहाँ पे जो है बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे राइट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेना है। दोस्तों यहां से जो है आपको एडजस्ट करने के बाद सिंपली दोस्तों यहां से फिर से आपको ऊपर यहां पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद दोस्तों यहां से आपको न्यू स्टिकर पैक का कोई भी यहां पे आपको नाम डाल देना है। दोस्तों यहां पे जो है नाम डालने के बाद सिंपली आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ सिंपली आपको जो है अपने स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों एक स्टिकर आपका यहाँ पे रेडी हो गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है आपको व्हाट्सएप में यहाँ पे ऐड करने के लिए दो स्टिकर मिनिमम तीन स्टिकर यहाँ पे चाहिए। तो आपको एक यहाँ पे बन गया है, दो स्टिकर और यहाँ पे आपको बनाना है। उसके लिए दोस्तों सिंपली यहाँ से आपको एड स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तीन स्टिकर बना लिया है। उसके बाद सिंपली दोस्तों यहाँ से आपको नीचे व्हाट्सएप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ से आपको व्हाट्सएप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको व्हाट्सएप जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऐड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों यहाँ से आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देख सकते हैं न्यू सिंपल स्टिकर हैज़ बीन ऐड टू व्हाट्सएप पे यहाँ पे आ गया है। अब दोस्तों हमको सिंपली यहाँ से आपको व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है और यहाँ से जिस किसी के पास भी यहाँ पे स्टिकर भेजना है स्माइली वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने ये जो यहाँ तीनों स्टिकर बनाया था यहाँ पे आ गया है। अब भेजने के लिए सिंपली यहाँ से हम इसको टैप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैसेज जो है यहाँ पे स्टिकर सेंड हो गया है। तो दोस्तों इसी तरह से जो है आप भी अपने अपने खुद का जो है पिक का यहाँ पे स्टिकर बना सकते हैं और किसी को भी यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि हमारी जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँचे।